जैन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही हो गया आप सभी। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। एक्चुअली मैं फर्स्ट व्लॉग नहीं है, मैंने इससे पहले भी काफी सारे व्लॉग्स बनाए हैं, बट काफी सारे तो नहीं, 5-7 बनाए होंगे, अलग अलग समय पे अपलोड करे हैं। आप सभी से हर बार बोला है कि अब मैं कंटिन्यू करूंगा, पर मेरा ना दिनचर्या इतना ज्यादा सिंपल है कि मैं उस बीच में क्या ही शूट, मतलब सुबह मैं 8 बजे उठता हूँ, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, फिर डेली आप व्लॉग में वही देखोगे। बीच बीच में कुछ बदलाव होंगे तो मजा आएगा, चलता तो रहता है ये सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, वो मैं आपको दिखाता रहूंगा। लेकिन बोरिंग हो जाता है ये सोच के मैंने व्लॉग बनाना छोड़ देता था, पर डेफिनेटली बहुत कुछ होता है। जैसे ये घर लिया हमने, इस पर काम चल रहा था, मैंने एक वीडियो बनाई अपलोड कर दी, उसके बाद ये पूरा घर बन गया, नहीं दिखाया कैसे कैसे काम चल रहा था, नहीं दिखाया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे दिन वीडियो बनाता हूँ, पूरे दिन बाजार में बैठा रहता हूँ, पूरे दिन बनाता हूँ, मैं बस यही सोच रहा था दोबारा शुरू करूंगा, जो भी मेरी लाइफ का रूटीन है वही दिखाऊंगा, मतलब घिसी पिटी जैसे भी चल रही है। बीच बीच में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है, मेरी में भी होता है, वही दिखा दूंगा बीच बीच में, जिसे अच्छा लगेगा डटे रहेंगे रुके रहेंगे। बाकी ठीक है, कुछ ना कुछ जानकारी भरी चीजें तो शेयर करता ही रहूंगा, चाहे शेयर बाजार की क्यों ना हो। वैसे तो शेयर बाजार की मैं अपने दूसरे चैनल पर सारी अपडेट देता ही देता हूँ, बट ये जो तरीका होता है ना ब्लॉगिंग के जरिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तरीका है ना अपने ऑडियंस अपने व्यूअर्स से बात करने का, ये अपनापन फील कराता है। मैं वीडियो में क्या बोलता हूँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय, स्वागत, तो वो एक एक्चुअल न्यूज होती है, वहां पे वो अपनापन नहीं आएगा मुझे लगता है, वो आपने जानकारी ही चली गई। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक अलग कहानी होती है ब्लॉग की। बड़े लंबे समय से सोच रहा था कि शुरू करूं, कब करूं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर शेयर बाजार के आदमी है, हमने कही भैया जितनी जल्दी निवेश शुरू करोगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे, जितनी जल्दी व्लॉगिंग शुरू कर देंगे उतना बड़ा पैसा तो यहाँ भी बनेगा, खैर व्लॉगिंग से जल्दी मोनेटाइज होगा, जल्दी सब कुछ होगा, और शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आज से बढ़िया दिन भी नहीं था कुछ, निफ्टी सेंसेक्स कितना जोरदार भागे आज, आज तारीख है 26 जुलाई, मुझे नहीं पता आप कब देखोगे ब्लॉग कब नहीं देखोगे, अभी तो चैनल पे कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। ये मैंने अपना दूसरा फोन दिखा रखा है, ये देखो भाई साहब, निफ्टी भागा 428 पॉइंट, सेंसेक्स 1300, निफ्टी बैंक 400, मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स, आज मतलब चौतरफा मार्केट में भाई साहब धुआंधार तेजी देखने को मिली। केवल इतना ही नहीं, कल जो अमेरिका का जीडीपी डेटा आया है ना दोस्तों, बड़ा दमदार आया था। मैंने कल इस पे वीडियो भी बनाई थी, मैंने कही थी कि ये जो जीडीपी का नंबर आया ना अमेरिका का, हिला देने वाला है। पहले मुझे बताओ यार, मेरे को ऐसे देख रहा हूं तो मुझे अपने आप को देख रहा हूं स्क्रीन में, और ऐसे देख रहा हूं तो मैं कैमरे में देख रहा हूं, तो जितने लोग भी देख रहे हैं ना ब्लॉग, वो ये जरूर बताना कि ऐसे यानी कैमरे में देखूं या ऐसे ही ठीक लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ देखते हैं भाई, मैं तो डायरेक्ट अभी मैं दिखाता हूँ, मैं ये जो या कैमरे में देख के मैं तो वीडियो बना देता हूँ भाई, इससे ज्यादा अपना कुछ भी नहीं है, वो अपने को आता है बहुत अच्छे से, अपने को सारी जानकारी है, वो बताओ बात वहीं खत्म हो जाती है, उसका एडिट करो छोटी मोटी एंड दैट्स इट। हाँ तो हम कहाँ थे, तो कल जीडीपी आया अमेरिका का बहुत दमदार, जिसके बाद कल अमेरिका में डाउ जोन्स रॉकेट भी हुआ, लेकिन क्या होता है टूट जाता है अचानक से, सेकेंड हाफ में गिर जाता है, पूरी तेजी खत्म हो जाती है, क्यों हो गई वो राम जाने। आज फिर से अमेरिका रॉकेट होने की तैयारी कर रहा है, ग्लोबल संकेत ठीक हो रहे हैं, बट मेरे को लग रहा है ना कि ये उछाल ट्रैपिंग हो सकती है, तो हम इंतजार कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन और करेंगे फिर खरीदेंगे दबा के, क्या दिक्कत है, पैसा तो पहले ही सबका लगा पड़ा है। तो बहुत सारे लोग मेरी पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भैया कहाँ निवेश करें, यार ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हैं, ये बाय सेल की तो एक नशा जैसी गोल है, कि मैंने आज आपको कुछ खरीदने को बोल दिया ना, बार बार पूछोगे अब फिर बताओ और सही नहीं पड़ी ना तो गाली भी दोगे, तो वो खतरनाक सीन होता है। अच्छा कुछ लोग जो हमारे शेयर मार्केट वाले चैनल से आए होंगे वो कहेंगे भाई लैंग्वेज को लेकर थोड़ा बोलेंगे, भाई एक्चुअल में मेरी भाषा जो है वो थोड़ी सी ऐसी है, हम यूपी से हैं, बट वीडियो में क्या है कि अभी हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो फिर वहां पे ऐसे नहीं बोल सकते हैं, तो आप सभी को पता है, तो मैं यहाँ पे जो भी हूँ आपके सामने रियल रहूंगा, मैं ऐसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ फोन को, पर साला रुक नहीं रहा कहीं भी, भागता जा रहा है, गिर रहा है, फिसल रहा है, पर चलो छोड़ो हाथ में पकड़ लेते हैं। तो पहला व्लॉग है, उम्मीद करता हूँ चीजें बढ़िया हो, अभी तक तो आज कुछ भी नहीं हुआ, वीडियो बनाई खूब सारी, बाकी आपको इस घर का टूर भी देंगे भाई साहब, बढ़िया है घर। पहले तो क्या था कि अपने पास 2 कमरे का घर था, जिसमें एक में मैंने सेटअप कर लिया, एक में ही कमरा, किचन सब था, तो क्या ही दिखाता, शुरू होते ही खत्म, अब ठीक ठाक है 3 कमरे हैं आराम से, अब आपको मुआयना दिला सकते हैं, मजे लेना आराम से, और मतलब मैं सोच रहा था कि क्या दिखाऊंगा, तो मेरे को 1-2 कंटेंट तो ये मिल गया कि एक तो होम टूर सब करा देते हैं, हम भी करा देंगे, अपने पास तो व्लॉग में कुछ नहीं होगा तो अपन शेयर बाजार को देखते रहा करेंगे। और देखो रात में मैं करीब करीब 10 बजे तक तो ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है 10-10:30 बजे तक सारी अपडेट शेयर करता हूँ, फिर लगभग खाना पीना खा के 10:30 बजे या 11 बजे मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा सा टहलने,
वरना क्या है कि बैठे बैठे ना चेयर पे शरीर खराब हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा टहलता हूँ फिर एक घंटे करीब लगभग 3-4 किलोमीटर, तो नीचे रात में अगर क्लियरिटी आ रही होगी तो बनाऊंगा। बाकी तो शर्म भी आएगी अभी तो बाहर बोलने में, नए नए ब्लॉगर है ना तो समझ रहे हो बात को। बाकी ऑफिस का टूर करा देता हूँ मैं आपको अभी फिलहाल। ये हमारी चेयर है जहाँ बैठे हैं, ये हमारा बैकग्राउंड रहता है जय भोलेनाथ, और ये वो टीवी है जहाँ मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ, शेयर मार्केट जब तक ओपन रहता है, और वहाँ उस चेयर पे पहले से चेयर पे बैठता था आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ये हमारा सेटअप है, इससे लाइट हटा के मैंने भी भारत दिया है, वो तिरंगा है पहले आपको याद होगा यहाँ रहता था, फिर क्या कि ना यहाँ हाथ रखता हूँ तो गिरने का डर रहता है, इसलिए हमने तिरंगा को क्या करा वहाँ पे रख दिया है। और तो क्या, ये खिड़की है जिससे मैं बंद ही रखता हूँ ज्यादातर, क्योंकि फिर इसकी रिफ्लेक्शन आएगी ना सूरज की तो क्लियरिटी गिर जाती है। काफी सारे लोग वीडियो में ना जब इलेक्शन चल रहे थे तो ये जो गणेश जी बैठे हमारे बगल में इनको देखकर कहते थे भाई ये हाथ का निशान हटा दो कांग्रेस का। मैंने कहा यार भगवान जी को तो छोड़ दो, इसमें क्या तुम पॉलिटिक्स ला रहे हो। मैं तुम्हें इसकी एक अनोखी चीज बताता हूँ, आप ना गणेश जी को देखो और इनकी जो सूंड है ना, जो नाक है, वो आप नोटिस करो कि इनकी राइट साइड पे मुड़ रही है। देखो राइट साइड पे, आपके घर में अगर गणेश जी की कोई भी मूर्ति हो, कोई भी, आप नोटिस करना वो लेफ्ट साइड पे मुड़ रही होगी। राइट साइड पे मुड़ने वाली बहुत कम मूर्तियां होती हैं, ऐसा नहीं है मिलेंगी नहीं कि मैंने ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली है, इसको क्या है कि मैंने अमेजोन पे ढूंढा था तो मिल गई। मैंने ऐसा सुना था, आप मुझे नहीं पता ये अंधविश्वास है क्या है, पर मैंने सुना था कि भाई साहब जिन गणेश जी की मतलब राइट साइड पे ये होना तो बहुत शुभ माना जाता है। इससे पहले आपने नोटिस करा होगा जब मैं सेटअप पे आया था तो मैंने ना एक छोटे से गणेश जी और थे हमारे पास, वो रखे हुए थे, उनकी लेफ्ट पे थी, फिर मैंने हमने ये ऑर्डर करी तब ये वाले कहीं ना कहीं राइट में मुझे मिली है। मेरी दिली चाहत थी कि भैया मैं सीधी साइड की सूंड रखूं। मैं आपको पहले वाले दिखाता हूं। देखो ये जो है ये हमने यहाँ रख दिए हैं ये टीवी वाले सेटअप के ऊपर, इनकी देखो ये लेफ्ट साइड पे है, केवल मतलब यही आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी राइट साइड पे मिल जाएगी आपको। अच्छा मैं और इधर भी देखो गणेश जी हैं पर इनकी आपको दिखेगी नहीं ठीक से, तो ये भी है, ये हमारा मंदिर है प्यारा सा जय माता दी। तो ये मेरा सेटअप है जहाँ मैं बैठता हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ तो दिखाता हूँ, यहाँ मैं कभी बार लेट भी जाता हूँ, देखो तकिया रखा हुआ जमीन पे ही, थक जाता हूँ तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक गद्दा डलवा दूँ। एक्चुअली क्या है कोई आ जाता है ना तो फिर वो गद्दा वगैरह स्पेस घेरता है तो कुर्सी लगा लेते हैं बैठ लेते हैं, इसलिए मुझे डलवाता नहीं हूँ, अदरवाइज बाहर रूम में जाने का जरा मन नहीं करता काम के समय। ये हमारा सेटअप है प्यारा सा, ये सारी चीज़ें हैं और ऊपर पंखा है और लाइट वगैरह है, ठीक है। लो जी सेबी ने इन्हें भी बैन कर दिया, 3 साल के लिए विजय माल्या को बैन कर दिया मार्केट से सेबी ने। भाई खाना खाने गया था बाहर तो वीडियो बनाना शूट करना भूल गया, ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ वापस आते समय। स्विमिंग पूल में देखो कितनी गंदी भीड़ है भाई, ऐसा लग रहा है मतलब सारे मजे यही लोग ले रहे हैं, देख रहे हो उछल उछल के नहा रहे हैं। पास से नहीं बनाई वीडियो मैंने क्योंकि थोड़ी शर्म आ रही थी। भाई 2 मिनट बाहर जाओ, हालत देखो क्या हो रही है, देख रहे हो पसीना। खाना खाने गया था तुम्हारा भाई बाहर, आज जो आंटी हमारे घर खाना बनाने आती थी वो छुट्टी पर चली गई, कह रही थी कि भैया उनके बेटी को लाई गया बीमार है वो। मैंने ठीक है भाई खाए आएंगे बाहर, तो खाना जैसे खा के गए मुश्किल से मुश्किल मुझे 10 मिनट लगे होंगे क्योंकि सोसाइटी से बाहर निकलते ही जस्ट खाना मिल जाता है, लेकिन उस 10 मिनट में भाई हालत देखो आप, तर बदर हो गया हूँ पसीने से, टी शर्टों में रंग नहीं दिख रहा होगा पसीने का, अदरवाइज पसीना इतना तंगड़ा हो रहा है ना माथे से तो देख ही सकते हो। देखो पहुंचा नहीं है मैंने तुम्हें दिखाने के लिए जानबूझ के। अभी भाई 8:51 हो चुके हैं रात के, ठीक है जी ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, आप यहाँ घड़ी में टाइम देख सकते हो अगर दिख रहा हो तो, वैसे मुझे नहीं पता दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है 8:52 दिख रहा है। अभी 2 वीडियो और 1 रील बनानी है मैंने, और अपने फेसबुक पे भी, फेसबुक जो हमारा पेज है उस पे भी कुछ वीडियो पोस्ट करनी है, 10:30 बज जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पे भी अच्छी चीजें आपके साथ शेयर कर पाऊंगा और अच्छे से आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करेंगे और ब्लॉगिंग में भी हमारा मतलब अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि रात में क्या ही दिखाऊँ, ऑलरेडी मैंने देखा ये लगभग 8-8.5 मिनट का ब्लॉग हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि पहला ब्लॉग इतना लंबा होना चाहिए अदरवाइज लोग बोर हो जाएंगे और टाइम वेस्ट कर दूंगा मैं लोगों का। तो मिलते हैं अपन कल, बाकी कल कुछ स्पेशल आएगा, स्पेशल इसलिए आएगा कि मतलब चीजें तो चली रही थी लाइफ में कुछ ना कुछ, तो कल ही अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहूंगा, कल ही फॉर्चुनेटली क्या है वो डील होने वाली है, तो वो डील मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, कल नहीं तो संडे को तो डेफिनेटली होगी, आज 26 जुलाई फ्राइडे है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, अगर यहाँ तक देखा है तो यार इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर देना, दूसरे चैनल पे तो मैंने ये सब कभी नहीं बोला लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ। जय हिंद जय भारत।